What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 3rd मार्च 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:19 हो रहे। कल हमने देखा पहला ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी इंडेक्स का, एक बाउंस बैक, एक रिकवरी फेज की हम उम्मीद कर रहे थे। मार्केट भी हरे निशान में ओपन हुआ था और मूड बना रहा था कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिले। हालांकि जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस पहुँच गया है, चाइना के बाद मिडल ईस्ट, फिर यूरोप, फिर यूएस, और यूएस ने भी जैसे ही गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि कोरोना वायरस यूएस में भी पहुंच गया, तो वहाँ के जो मार्केट्स है वो वहाँ पर भी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला। कल इंडिया ने भी ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि कोरोना वायरस इंडिया में भी पहुँच चुका है, तो आधे घंटे में ही ऊपरी लेवल से करीब 400 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी दुनिया भर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और अभी इसके प्रिकॉशंस के स्टेप्स हमें लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज निफ्टी इंडेक्स में क्या रिकवरी फिर से देखने को मिल सकती है, क्या फिर से यहाँ से डाउनफॉल और भी गहराता हुआ नज़र आएगा, लेवल्स क्या कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 2nd मार्च आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,175, और जैसे ही ये सुबह ओपन हुआ तो हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो हमने टारगेट एनालिसिस किए थे इसके ऊपर काफ़ी ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा था काफ़ी देर, 12-1 बजे तक ये सुबह के 1 घंटे का ये जो हाई और लो का लेवल था इसी के बीच में ट्रेड हो रहा था, काफ़ी स्लगिश मार्केट था। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो यहाँ से जैसे ही ये फॉल आया तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,147 और सेकेंड टारगेट 11,121 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। काफ़ी पेशेंस चाहिए इस मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है। तो ग्लोबल मार्केट्स के पहले हालात देख लेते। कल यूएस मार्केट देखे तो डाउ जबरदस्त यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, करीब करीब 1200 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। एक रिकवरी फेज हमें यहाँ से कह सकते हैं कि शुरू हो सकता है। नास्डैक में हमने देखा 400 पॉइंट की करीब करीब यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, और यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लंदन और फ्रांस मार्केट में भी फिर से एक बार हरे निशान में का मार्केट कारोबार करते हुए नजर आए। एशियाई बाजार देखे आज तो जापानीज इंडेक्स 51 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, चाइना मार्केट भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 113 पॉइंट की अभी इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एशियाई बाजार और ग्लोबल मार्केट से एक रिकवरी फेज के संकेत मिल रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। हमने यहाँ पर फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, जैसे कि आप इस मंथली चार्ट को देख रहे हैं, ये इस मंथली चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ से इस लो और इस हाई को पकड़ के ये ड्रॉ किया था, तो अभी एग्जैक्ट 23.6% का लेवल इसने यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो यहाँ अगर ये देखें वीकली चार्ट में, तो 100 ईएमए के पास इसने पास्ट में भी यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर। तो ये 11,100 काफ़ी क्रूशियल लेवल बन जाता है। अगर ये लेवल को अगर ये इस ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एज पर वीकली चार्ट 10,800 के पास नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है एज पर वीकली चार्ट, अगर 11,100 को ब्रेक करता है तो। हालांकि अभी ये सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो हो सकता है जैसे ग्लोबल मार्केट का सिनारियो हमें इस वक्त दिखा रहा है कि एक यहाँ से बाउंस बैक, एक रिबाउंड मूवमेंट हमें यहाँ से दिखाई दे सकती है। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें
तो कल ये जो फ्राइडे का ये जो हाई था इसके ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो यहाँ से करीब 400 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि जहाँ पर डेली चार्ट में ये यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, पास्ट में एक सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक हुआ था निफ्टी इंडेक्स, तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये फिर से अभी आ चुका है और यहाँ पर एक पॉज ले रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी इंडेक्स में एज पर वीकली चार्ट में भी देखा, डेली चार्ट में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 10,800 के पास इसने सपोर्ट लेकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिखाया। तो 11,100 अगर ब्रेक होता है तो 10,800 के पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो अभी ये बेरिश मार्केट है, अगर कोई भी रिकवरी फेज आता है तो ये जस्ट और जस्ट एक बाउंस बैक होगा। अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड ट्रेंड का यहाँ पर सिग्नल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस एक्शन में। हालांकि आरएसआई को देखें तो आरएसआई अभी ये 30 का जोन यानी ओवरसोल्ड जोन में ये पहुंच गया है। तो यहाँ से हमने पास्ट में देखा था कि निफ्टी इंडेक्स ऊपर जैसे ये 30 के लेवल के पास आता है तो हमें वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। हालांकि अब तक प्राइस एक्शन में हमें ऐसा कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो, अभी भी कंटिन्यू फॉल यहाँ पर चल रहा है। अभी प्राइस एक्शन में वेट करना होगा, जब तक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये है डेली वीकली चार्ट का एनालिसिस निफ्टी इंडेक्स का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, तो इसका हाई और लो आज हम यहाँ पर इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल एज अ मार्क कर सकते हैं। तो अगर ये निफ्टी इंडेक्स ये जो लास्ट बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है काफी लंबा बना बना हुआ है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी 11,270 के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,297। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,323, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और कल का लो अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,002, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,983, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।